dear friend, good morning, all of you. Say, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे जो प्रोग्राम बीए थर्ड सेम के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो है जिसमें पहले हम पढ़ चुके हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड, और इसके बाद आता है कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड, दो मानक अक्षांश वाला शंकु आए बराबर 12.50 लाख, लैटिट्यूड इंटरवल by 15 degree, defensive force of pressure. Standard pressure. Standard pressure जो है इसके अंदर दिए हुए हैं विस्तार जो दिया हुआ है 0 degree से 60 degree ईस्ट या 60 degree ईस्ट को 60 degree वेस्ट, और चलो इस तरह से आएगी जो रिजल्ट है इसका दिया हुआ है 60 degree ईस्ट टू 60 degree वेस्ट कर दिया हुआ है। आ रहा है इफेक्टिव फ्रैक्शन जो है वो अपना 1/10/50 लाख, लैटिट्यूड इंटरवल 40 degree, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है 40 degree एंड 60 degree दिए हुए हैं। इस तरह से अपन सबसे पहले जानते हैं आर, आर रेडियस उसी से निकलता है, रेडियस ऑफ एक्चुअल अपॉन रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन आर। रेडियस ऑफ एक्चुअल टी 64 आर, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन 12/50 लाख, यह है 5.08 सेंटीमीटर। तो इस तरह से है कि ये जो होता है 5.08 सेंटीमीटर, इसका अपन जो है वृत्त बनाते हैं, इसकी प्रकार के अंतर दूरी लेंगे और प्रकार के अंतर दूरी लेकर के इसकी 5.08 का अपन को एक चौथाई एक बार चार इसके प्रभाव लेंगे, इसकी जो
conically 10 degree. Difference जो वो 10 degree. तो सबसे पहले तो 10 degree का angle बनता है. फिर उसके बाद 20 degree का बनेगा. और फिर उसके बाद 40 degree को 20 का नहीं बनेगा. 40 degree का angle होता है. ये 40 का होगा. तो फिर ये जो अपने लिए जो है ये 10 degree difference है. तो इसका अपन ये बना लेंगे और ये 40 का हो जाएगा. और इसके बाद हमें ये 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे. इस तरह से ये एंगल अपन को बना लेंगे. फिर क्या करेंगे, बी से सी की दूरी लेंगे और बी से सी का चाप लेकर के अपने यहाँ से इसको इस तरह से घुमा. ये जो है जहां जो इनको सीधा 90 डिग्री का कोण रखते हुए अपन इनको घुमाएंगे. इसके बाद में तुमको एक सीधी लाइन खींचनी है और इस लाइन पर ई से डी की दूरी लेनी है हमको. और ई से डी की दूरी जहां भी आप लेंगे ठीक है, ई और इस तरह से हमने ई से डी की दूरी में ये अपन ले ली. अब एफ और जी वाली दूरी लेंगे, ये वाली दूरी लेंगे और इस वाली दूरी से यहाँ पर अपन इधर लाइन खींचे, ये वाली दूरी लेकर के इधर लाइन खींच देंगे. फिर एफ से आई की दूरी लेंगे और एफ से आई की दूरी लेकर के अपन इस तरह से लाइन खींच देंगे. इन दोनों को जो है ये दोनों लाइन जो अपने खींची है दोनों को इस तरह से लाएंगे सीधे स्केल से और इस रेखा पर अपन सीधे इनको ला देंगे. इस तरीके से अपने इनको सीधा मिला. इसके बाद में अलग से लाइन खींचेंगे और ई से ई वाली दूरी लेंगे और ई से ई की दूरी लेकर के ये बंद हो जाएगा पी और ई. ई वाली जो दूरी है उस दूरी पर अपन ये चाप घुमाएंगे. फिर इसके बाद पी से डी की दूरी लेंगे, पी से डी और फिर पी से डी की दूरी लेकर के अपन चाप घुमाएंगे. और ये दूरी हो जाएगी ई एफ इस तरह से. फिर क्या करना है, बी से सी की दूरी लेंगे और बी से सी की दूरी देख लेंगे और एच से नकल के बीच में लगा लेंगे और ये हो जाएगा 50, 60, 70, 80 और अपन को जो विस्तार देखा है 20 डिग्री से 80 डिग्री लैटिट्यूड. तो ये 40, 30 और 20 प्रकार से अपन इनको इस तरह से घुमा देंगे. प्रकार की जो जगह है वो यहाँ लड़ेगी और इस तरीके से अपन ये जो सभी हैं इनको इस तरह से घुमा. फिर ई से जी वाली तो एफ से जी वाली दूरी लेंगे और एफ से जी वाली दूरी लेकर के अपन इस रेखा का चिन्ह लगाएंगे. 15, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इसी तरह से इधर लगा लेंगे 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 फिर एच सी आई वाली डिस्टेंस रहेंगे और 40 डिग्री पर जो है इस तरह से बनाएंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इसी तरह से इधर लगा लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और इनको जो है अपन यहाँ से मिला देंगे. ये दोनों जो हैं
स्केल से मिलनी है। इस तरीके से सीधी सीधी जो है ये लाइन है, इस तरह से अपन 60 डिग्री का एक पोजीशन सीता इसके पर 80, 70, 60, 80, 40, 30 और 20। 60 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल हो जाएगा, इसी तरह से ये भी स्टैंडर्ड पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से इसमें टू स्टैंडर्ड पैरेलल 40 डिग्री और 60 डिग्री, एक और 0 डिग्री है। 0 डिग्री जो है ये सेंट्रल मेरिडियन केंद्रीय मध्यम रेखा, ये पदार्थ रेखा है और ये केंद्रीय तो इस तरह से इसको एक बार और देखते हैं, यानी सबसे पहले 5.08 ये एक चौथाई पर है वृत्तम है, इसमें 10 डिग्री का एंगल बनाया करें और फिर उसके बाद 40 का और उसके बाद 60। बी से सी ये दूरी ली और इस डिस्टेंस से जो है यहाँ हमने एक साथ घुमा दी, यहाँ से पंख को पता हुए जो है इनको सीधा बना दिया जिसमें एफ सी और एच आई है। यहाँ हमने लाइन खींची सी थी, इसमें हमने ई से बी की दूरी ली और ई से बी की दूरी यहाँ पर कही इसमें ला सकते, फिर ई से डी यानी कि एफ और जी की दूरी लेनी है जो कि ई पर खींचनी है, फिर डी पर जो है एच से आई की दूरी खींचनी है ये वाली, ठीक। फिर पी से ई की दूरी लेनी है और पी से ई की दूरी जो है वो यहाँ से ये वाली दूरी, फिर पी से डी की दूरी लेनी है और पी से डी की दूरी इस तरह से ये खींचनी, फिर इसके बाद में जो है अपन ने ई से एफ जो है ये चिन्ह लगा देना 10, 20, 30, 40, 50, 60 इसी तरह से लगा रहे 10, 20, 30, 40, 50, 60 इसी तरह से ये एच डी से लगा देना, एच डी से ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 इसी तरह से इधर लगा दिया और ये जो है बी सी सी वाली डिस्टेंस जो है इसको लेकर के अपने यहाँ अच्छे लगा दिया इसका और इन से अपन में यहीं से पत्ता खोल कर दिए इसको अपन घुमा, तो इस तरह से ये जो है इस तरह से अपने इनको घुमा और फिर ये जो है इनको अच्छी तरह से इसमें, तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ टू स्टैंडर्ड पैरेलल, इसका आरएफ हो जाएगा आरएफ